मुझे याद है चारों तरफ अंधेरा हो रखा था और मैं अपने ड्रैगन के साथ जा रहा था। मौसम बिल्कुल भी सही नहीं था, लगता था बारिश होने वाली है क्योंकि आसमान बहुत तेजी से गरज रहा था। एकदम भयानक सा मंजर हो रखा था, जैसे कि कुछ बुरा होने वाला हो कि मैंने कुछ आहट सुनी। तभी अचानक से पीछे से मेरे ऊपर किसी ने वार किया। मैं उनके वार से तो बच गया, तभी मैंने अचानक देखा कि वो दो जादूगर है। मैंने उन पर अटैक करने की कोशिश करी। उनके पास कुछ मैजिकल शक्तियां थी जिससे कि वो एक दूसरे को हील कर रहे थे, और उनके पास कुछ मैजिक वॉन्ड भी थी जो उन्होंने मेरे ऊपर घुमाई और मुझे बेहोश कर दिया। मैं एक गहरी नींद में चला गया था और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मेरे शरीर से मेरी आत्मा निकाल ली गई है। और तभी अचानक मुझे सपने में कुछ दिखाई दिया। अरे भाई ये कहाँ आ गया मैं, अरे ये कहाँ आ गया मैं, अरे ये कौन सा वर्ल्ड है भाई। ओह माय गॉड गाइस, पता नहीं क्या हुआ था भाई, दो तीन जादूगर आए थे और उन्होंने मुझ पे अटैक किया। मैं अपने फ्रेंड के ड्रैगन के साथ जा रहा था यार, वो ड्रैगन भी नहीं पता कहाँ गया और ये इस पहाड़ी के पीछे ही उड़ के गए थे वो जादूगर। कौन थे वो लोग यार, क्या चल रहा है इस वर्ल्ड में, ये मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। और मेरा सारा का सारा सामान कहाँ गया। अभी तक तो गाइस मेरे को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि इस वर्ल्ड में मेरे साथ हुआ क्या है। बस मेरे को इतना पता था कि भाई कुछ जादूगर आए थे पहाड़ों के बीच में से उड़ करके, उन्होंने मुझ पे अटैक करने की कोशिश करी। मैं अपने दोस्त के ड्रैगन के साथ जा रहा था, पता नहीं उन्होंने उस ड्रैगन का क्या किया और मेरे साथ क्या किया, क्योंकि ये मेरा वर्ल्ड नहीं है, यहाँ पे मेरा सामान नहीं है। तो अब मेरे को शुरू से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। मैंने फटाफट से पेड़ वगैरह तोड़े और अपने लिए टूल बनाए, और मेरे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था तो मतलब मुझे खाने का भी जुगाड़ करना पड़ेगा। मतलब मुझे शुरू से शुरुआत करनी पड़ेगी। अब मुझे स्टोन से लेके आयरन एज में आने में ज्यादा टाइम नहीं लगा क्योंकि मैं इस गेम का पुराना खिलाड़ी हूँ। इस वर्ल्ड की केव्स बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी है और भाई यहाँ पे मुझे कुछ अलग तरीके के ओर भी मिले जो मैंने पहली बार देखे थे। अब इनसे मुझे पता नहीं है कहाँ पे यूज होंगे या इनसे कौन सी मशीन बनेगी, बट मुझे जो भी मिल रहा था मैं अभी उठाया जा रहा था क्योंकि अभी तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। काफी देर तक माइन करने के बाद मैं माइन से बाहर आया और मैंने सोचा कि चलो भाई अब कुछ रहने का ठिकाना बनाया जाए। लेकिन मैं अपने आसपास ये भी क्लियर करना चाहता था कि यहाँ पे कोई ड्रैगन या फिर कोई खतरनाक चीज ना हो, क्योंकि ये वर्ल्ड खतरनाक चीजों से भरा पड़ा है जैसा कि मुझे पता है, और ये जगह बिल्कुल फ्लैट है तो मेरे लिए ये जगह परफेक्ट हो सकते हैं। तो चलो यहाँ पे अपने बेस बनाने की तैयारी करते हैं। सबसे पहले तो मैं जितने भी रिसोर्सेस लेके आया था उनको स्मेल्ट वगैरह कर लेता हूँ। लगे हाथों मैंने अपने लिए आयरन का आर्मर भी बना लिया और भाई इसका टेक्सचर बहुत ज्यादा अलग था और माइनक्राफ्ट के आयरन के आर्मर से। भाई लिटरली अब मुझे फील हो रहा है कि मैं सच में किसी खतरनाक वर्ल्ड में हूं, क्योंकि यार ये आर्मर भी बहुत अलग ही दिख रहा था। उसके बाद मैंने आयरन की स्वॉर्ड और पिकेक्स भी बना ली। भाई ये बहुत ही ज्यादा अलग सी दिख रही थी, इनका टेक्सचर पैक बहुत अलग था। मैं देखना चाहता था कि डायमंड का भी और नेदरराइट का भी ऐसा ही कुछ दिखता है क्या, बट वो रिसोर्सेस अभी मेरे पास नहीं है। पता नहीं ये काम करते करते मैं अचानक भूल गया कि भाई मेरे पास बेड नहीं है। तो पास में कुछ शिप थी, मैंने उनको मारा और उनसे खाना भी मिल गया और वूल भी मिल गई। मतलब मैं अपने लिए बेड बना सकता हूं और उस पे सो भी सकता हूं। जल्दी ही सुबह भी हो गई और एक और बढ़िया से दिन में आप लोगों का स्वागत है भाई। और दिन की शुरुआत मैंने खाना खा करके करी और आज मेरे को बहुत सारी माइनिंग करके आनी है और अपने घर बनाने के लिए कुछ रिसोर्सेस इकट्ठे करने हैं, जैसे कि वुड लॉग हो गया, स्टोन हो गया, कोल हो गया। भाई इस वर्ल्ड के एनिमल तो देखो जरा, भाई वो डियर को देखो, इस चिकन को देखो, ये कॉक है भाई, भाई ये मुर्गा, भाई ये मैंने पहली बार देखा माइनक्राफ्ट में यार, मेरे को बहुत अच्छा लगा, ये क्यूट सा था वो। इस छोटे से एडवेंचर में मैंने शिप्स को मारा, भालू को मारा, माइनिंग करी और माइनिंग करते करते मेरे को डायमंड भी मिल गए। फिर अंधेरा हो गया तो मैंने सोचा कि चलो घर पे चला जाए, बट मुझे क्या पता था कि मेरे घर पे कोई मेहमान आया है। रोम रोम भाइयों,
बीच बीच में तो भाई मेरे को ऐसा लग रहा था भाई मेरे को ये अभी मार देगा, अभी मेरा यहाँ पे गेम खत्म हो जाएगा। बहुत ज्यादा पावरफुल था ये, क्योंकि इसके पास ना कुछ अजीब सी पावर्स थी जो कि ये मेरे को ब्लाइंडनेस दे रहा था, नौसिया दे रहा था। इसका नाम गार्बेज था, और ये मुझे लगता है मुझे ये इसके आसपास जो ये ग्रीन ग्रीन पार्टिकल्स निकल रहे ना, ये एक तरह की बदबू है, एक तरह का वायरस है। और भाई मैं इसके पास नहीं जा सकता था, तो मैं इससे लड़ भी नहीं पा रहा था। तो अचानक से मेरे दिमाग की बत्ती जली। मेरे पास फ्लिंट एंड स्टील था, उसका तो मैं यूज कर ही रहा था, बट उससे ज्यादा भी फायदा नहीं हो रहा था। बट मेरे को एक चीज ध्यान में आई कि मेरे घर के पास पानी है, तो क्यों ना इस गार्बेज को पानी में ले जाया जाए और इसको धो दिया जाए। Still fast as fuck, boy. Come get some. I don't think you have any. एंड आई कांट बिलीव गाइज, मेरी ये ट्रिक काम कर गई। पानी में डूब डूब के ना उसका हेल्थ काफी ज्यादा कम हो गया, क्योंकि पानी में भी वो मेरा पीछा कर रहा था। और अब मेरे पास फूड नहीं है भाई, तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, थोड़ा फूड पकाने वाला हूँ उससे स्पीड में भाग करके, और थोड़ा हेल्थ रीजनरेट करूंगा और थोड़ी इसकी पावर बची और इसको मार दूंगा। बाकी जब तक मेरा खाना पकता है मैं इसको फ्लिंट एंड स्टील से जला देता हूँ। तो एक खाना मेरा पक गया यार, थैंक गॉड कि मैंने स्मोकर बना लिया था, उसमें खाना जल्दी पकता है। तो चलो भाई इसका मरने का टाइम आ गया है, लेट्स गो। हो भाई साहब, ये नाइटमेयर था यार एक तरह का, भाई ये बहुत ज़्यादा खतरनाक था यार। सुबह सुबह अगले दिन उठ के मैंने सबसे पहले अपना फर्नेस को अपग्रेड किया, उसके बाद मैं गोल्ड में उसको अपग्रेड करने वाला था, और गोल्ड के बाद डायमंड में करने वाला था। यार वैसे देखो डायमंड में मैं कर सकता हूँ अभी, क्योंकि मेरे पास 12 डायमंड है, तो मैं एक तो कर ही सकता हूँ, और 6 डायमंड मैं बचा के रख लूँगा, फ्यूचर में मुझे किसी चीज़ में काम आ जाएंगे। फर्नेस बनाने के बाद अचानक से मेरे को याद आया कि इसमें स्पीड अपग्रेड भी बनता है, तो इसका मतलब मैं इसको और भी फास्ट कर सकता हूँ। 2 स्पीड अपग्रेड बना लिए, दोनों फर्नेस में मैं एक एक स्पीड अपग्रेड डाल दूँगा, और ये पहले से काफी अच्छी स्पीड में काम कर रहे हैं। मैं इन फ्यूचर इनको नेदरराइट में भी कन्वर्ट कर सकता हूं, और एक रेनबो फर्नेस बनता है वो भी बना सकता हूं, जो कि अभी तक का सबसे फास्ट फर्नेस है माइनक्राफ्ट की हिस्ट्री में। तो उसको बनाने में तो थोड़ा टाइम जाएगा, क्योंकि अभी मेरे पास रिसोर्सेस नहीं है, मैं नया नया हूं इस वर्ल्ड में, और मुझे पता भी नहीं भाई ये वर्ल्ड है क्या चीज, यहां पे क्या क्या चीजें हैं। सभी चीज छोड़ते भाई, पहले बनाते अपना घर, क्योंकि मुझे नहीं पता अब अगली चीज क्या स्पॉन हो जाए इस वर्ल्ड में, मुझे मारने के लिए आ जाए। तो मुझे डिफेंड के लिए अपना एक घर तो चाहिए होगा ना, जहां पे मैं छुप सकूं, रह सकूं, सो सकूं रात को, और सबसे इंपॉर्टेंट अपनी प्रोग्रेसिंग यानी के लूट को भी रख सकूं। ओके, तो ऑलमोस्ट मेरा घर कंप्लीट हो चुका था। मैंने अपने घर में थोड़े से वेरिएशन दिए भाई, मतलब मैंने ब्रिक्स यूज़ की है, ओक लॉग यूज़ किया है, और भाई साइड में फेंस लगा करके मैंने बहुत सारे ट्री भी लगा दिए, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी सैपलिंग पड़ी थी। तो ये कुछ ऐसा मेरा घर दिखता है भाई, मैंने अपना फार्म भी बना लिया है।
और फार्म में कुछ ज्यादा नहीं है। अभी वीट उग रहा है, मेलन उग रहा है और पंपकिन उग रहा है, ये तीन ही चीज उग रही है। आने वाले टाइम में देखो मैं क्या क्या उगाता हूँ, कुछ मैजिकल चीजें भी उगने वाले हैं भाई। मैजिकल वीट, मैजिकल पंपकिन, मैजिकल मेलन, मैजिकल कैरेट, मैजिकल पोटैटो, भाई सब चीज मैजिकल उगने वाले हैं, क्योंकि ये वर्ल्ड ही कुछ ऐसा है। धीरे धीरे ये वर्ल्ड मेरे समझ में आ रहा है। अगले दिन मैंने अपनी फसल देखी, बट यार फसल मेरी अभी भी नहीं उगी थी। मेरे को कुछ ना कुछ ऑटोमेटिक बनाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे इस वर्ल्ड का सुपर फूड चाहिए ही चाहिए। क्योंकि यार सुपर फूड से क्या होता है ना, आपका हेल्थ रिजनरेशन मिलता है, और इस वर्ल्ड का तो फूड बिल्कुल अलग है भाई। वो फूड बहुत ज्यादा ओपी हो सकता है, मतलब फूड बहुत ज्यादा ओपी है तो इसका मतलब ये वर्ल्ड भी बहुत ज्यादा डेंजरस है। तो डेंजरस चीजों से निपटने के लिए तो भाई मेरे को सुपर फूड ही चाहिए होगा, जिससे कि मेरा हेल्थ रिजनरेशन होता रहे। साथ ही मुझे यार अपने लिए एक आर्मर भी बनाना पड़ेगा, बट अभी तो मैं आर्मर नहीं बना सकता हूँ, बट मेरे पास स्वॉर्ड नहीं है, तो एक स्वॉर्ड बना लेते हैं डायमंड की, और फिर चलते हैं अपने लिए फूड जमा करने के लिए। क्योंकि यार फसल तो मेरी अभी तक उगी नहीं है, तो मेरे को फूड ढूंढना ही पड़ेगा, मतलब नॉन वेज ही ढूंढना पड़ेगा आसपास। चलो देखते हैं कुछ फूड के लिए मिल जाता है। तो मैंने अपने लिए थोड़ा सा फूड जमा कर लिया था, तो मैं उसको पकाने जा रहा था कि अचानक मैंने एक चीज देखी उड़ती हुई, जो कि था ड्रैगन। तो यस गाइस, मेरे को ड्रैगन दिखने शुरू हो गए थे। इसका मतलब इस वर्ल्ड में भी ड्रैगन एग्जिस्ट करते हैं, बट ये उड़ कहां पे रहे थे? ये एक तरह का एरेना था और यहाँ पे ये उड़ रहे थे, और उसके अंदर मुझे खतरनाक मॉन्स्टर भी दिख रहे थे। तो भाई अब ये देखना है कि ये चीज है क्या आखिर। तो चलो जैसे मेरा खाना पकता है नीचे चलते हैं, देखते कि ये क्या चीज है। तो ये एक तरह का फाइट एरेना था, यानी कि कोलोजियम। तो यहाँ पे लिखा हुआ था इफ यू विन यू गेट डायमंड एंड नेदर राइट, और मेरे को पता चल चुका था वो डायमंड कहाँ पे है। तो ये एक तरह का पीवीपी एरेना था, बट यहाँ पे कोई प्लेयर नहीं थे, यहाँ पे मॉन्स्टर थे और ड्रैगन्स थे। तो भाई इनके साथ मेरे को पीवीपी करना पड़ेगा। भाई पता नहीं मैं प्रिपेयर हूँ या नहीं हूँ, बट गाइस रिस्क तो मेरे को लेना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरी दुनिया का एक छलावा है और यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल लाइफ है। तो भाई इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, बट अभी तो मुझे इनसे फाइट लेनी होगी और वो डायमंड मुझे चाहिए भाई। एक चीज तो थी, ये जो मॉन्स्टर बहुत ज्यादा पावरफुल है, ये स्नो येटी थे। इन्होंने भाई मेरे ऊपर स्नो से हमला किया, मतलब इतना बड़ा स्नो का गोला फेंका कि मैं वन हिट मर गया। मतलब इससे ये पता चलता कि भाई ये मो बहुत ज्यादा पावरफुल है, मेरे को यहाँ पे बहुत ज्यादा पावरफुल बनना पड़ेगा। वो तो अच्छा है भाई कि दिन था, उनके अंदर आग लग गई और वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो गए, और वो भाई कितनी जल्दी डिस्ट्रॉय हो रहे थे भाई। तो इसका मतलब दिन में मुझे इनसे फाइट करनी चाहिए हमेशा। बट अभी तो छोड़ो भाई, अभी तो फ्री का रिवॉर्ड ले लेते हैं, यानी कि बहुत सारे डायमंड और नेदरराइट के ब्लॉक। भाई नेदरराइट तो दिख नहीं रहा, बट कोई नहीं, देखते हैं डायमंड निकालते हैं पहले। एंड लुक एट दिस ड्रैगन गाइस, ये क्या बीस्ट दिख रहा है भाई, कितना कलरफुल है। तो भाई मेरे को डायमंड निकालने में ज्यादा टाइम नहीं लगा, मैंने वेन माइन को यूज किया और एक साथ सारे डायमंड्स निकाल लिए, और मेरे को 47 ब्लॉक मिले डायमंड के, और नेदरराइट भी मेरे को दिख गया है, 4 ब्लॉक है नेदरराइट के। बट गाइस मैं आयरन की पिकेक्स से नेदरराइट नहीं निकाल सकता, तो मुझे ये जो डायमंड मिले ना, इससे मुझे एक पिकेक्स बनानी होगी डायमंड लेवल की, उसके बाद मैं इन 4 ब्लॉक को निकाल सकता हूँ। सो इट्स टाइम टू माय नेदरराइट। भाई फ्री का नेदरराइट मिलने वाला अपने को, और वो भी 4 ब्लॉक, लेट्स गो बॉयज। यार ये इतना हार्ड क्यों होता है यार, बहुत ज्यादा हार्ड है। तो 2 ब्लॉक ये रहे, 2 ब्लॉक इस सामने वाली तलवार में थे, तो 4 ब्लॉक हो जाएंगे मेरे पास। इनको निकालते और चलते सीधा घर की तरफ, और घर जाने से पहले भाई मैंने सोचा अपने लिए एक आर्मर भी बना लेता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता बीच रस्ते में कौन सा मॉब मिल जाए या कौन सा मॉन्स्टर मिल जाए। तो भाई मेरा एक डायमंड का आर्मर भी पूरा रेडी हो चुका था। अब मैंने एक चीज नोटिस करी भाई, इस एरेना में ना बीच में एक टेबल लगा हुआ है, तो चलो देखते यार ये टेबल किस चीज का है।
जैसे ही इस टेबल को मैंने टच किया तो भाई दिन हो गया और अचानक से सामने दो मॉन्स्टर प्रकट हो गए। तो भाई ये मॉन्स्टर क्या थे यार, बहुत ही खतरनाक दिख रहे थे। आई डोंट नो गाइस ये कितने ज्यादा पावरफुल है। एक का नाम है क्लैरिक बीस्ट और एक चूहे जैसा दिख रहा है। और भाई ये इसको ऐसा लगता है इसको जैसे कुछ इन्फेक्शन वगैरह हुआ है। बट गाइस मुझे लगता है ये इस वर्ल्ड का खतरनाक मॉन्स्टर हो सकता है। तो चलो भाई देखते हैं इससे फाइट करके ये कैसा हमें डैमेज देता है, क्या मैं इससे फाइट कर भी पाऊंगा। और एक चीज नोटिस करने वाली है, ये दिन में भी नहीं जल रहा। मतलब भाई ये दिन में सर्वाइव कर सकते हैं ये वाले मॉब। सो फाइनली गाइज मैंने इस मॉन्स्टर को डिफीट कर दिया। ये हेल्थ डैमेज तो दे पा रहा था बट मैंने डायमंड का आर्मर बना लिया इसलिए ज्यादा भी हेल्थ डैमेज नहीं दे पा रहा था। तो भाई डायमंड ने जान बचा ली इस बार। तो चलो देखते हैं भाई इस टेबल में आखिर है क्या चीज जो यहाँ पे दो दो तीन तीन मॉन्स्टर स्पॉन हो गए थे। भाई तो इसमें किसी तरह का पोशन है, कुछ मैजिकल स्पेल है। तो चलो भाई इस स्पेल को जरा यूज करके देखते हैं कि आखिर ये क्या मैजिक करती है। तो भाई इसके अंदर से एक अजीब सा दिखने वाला शेर निकला जिसने सर पे टोपी पहनी हुई थी, उसके साइड में सोल लालटेन थी और उस पे शैडल भी था। तो मैं जैसे उसके ऊपर बैठा तो भाई वो तो नोटिफिकेशन आई, यूअर न्यू पेट। तो मतलब ये मेरा न्यू पेट है। ओ भाई शेर की सवारी और इस वर्ल्ड में। भाई मुझे लगता है गाइस अब मैं इस वर्ल्ड में पावरफुल बनता जा रहा हूँ। भाई मेरे को ट्रैवलिंग करने के लिए एक बहुत ही अच्छी सवारी मिल गई, अब मैं दूर दूर तक ट्रैवल कर सकता हूँ। तो चलो देखते हैं भाई शेर की पावर और क्या इस सामने वाले मॉब को डिफीट कर पाएगा। और ये जंप कितना ऊंचा करता है, क्योंकि जो घोड़ा होता है वो भी एक अच्छा ट्रैवलर है बट वो ज्यादा ऊंची जंप नहीं कर पाता। तो चलो देखते हैं भाई, शेर की सवारी मैं पहली बार कर रहा हूँ और ये बैठ भी जाता है। सो क्यूट गाइस, ये बहुत ज्यादा क्यूट है देखने में। तो चलो भाई देखते हैं इसकी पावर्स वगैरह और इसको घर पे लेके चलते हैं। बट घर जाने से पहले भाई ये फ्री की चीजें निकाल लेता हूँ, जैसे ड्रैगन हेड एनविल जो कि मैं अपने घर पे लगाने वाला हूँ डेकोरेशन के लिए। घर जाते जाते बीच में मुझे एक प्लेजर पोस्ट दिखी जो कि बहुत ही अपग्रेडेड थी भाई। और यहाँ पे एक ट्रेडर और एक विलेजर को मैंने आजाद करवाया। ये जो ट्रेडर है बहुत अच्छी डील कर रहा था बट मेरे पास एमरल्ड नहीं थे तो मैं इससे कुछ भी नहीं खरीद पाया। थोड़ी ही देर में मैं घर पे भी पहुंच गया और घर पे पहुंचने के बाद मैंने शेर को बाहर ही बैठा दिया। भाई ये बैठा हुआ कितना बड़ा लग रहा है यार। लिटरली गाइस इस ड्रैगन वर्ल्ड में मेरे बहुत ही बढ़िया फ्रेंड बन सकता है। और साथ में मैंने थोड़ा बहुत अपने घर को डेकोरेट किया। मुझे इस वर्ल्ड में फूड की कमी हो रही है और भाई इतने ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर आ रहे हैं अभी से ही। और जब मैं ज्यादा पावरफुल हो जाऊंगा तब यहाँ का क्या हाल होगा। तो उससे पहले मुझे सुपर फूड बनाना होगा ताकि मैं अपनी हेल्थ को रिजनरेट कर सकूं। तो चलो सुपर फूड पे काम करना शुरू करते हैं। तो जिस तरीके का सुपर फूड बनाना है उसको बोलते हैं डिवाइन डिश। तो ये वो सुपर फूड है जो कि मुझे हेल्थ रिजनरेशन करने में मदद करेगी। तो इसको बनाने के लिए हर तरह का मीट चाहिए जो माइनक्राफ्ट में अवेलेबल है, हर तरह का वेजिटेबल चाहिए और वीट से बनने वाली ब्रेड भी चाहिए। तो चलो भाई बनाते हैं डिवाइन डिश को। मेरे पास ऑलमोस्ट सभी चीजें रेडी है, बस मुझे अंडे चाहिए थे जो कि मैंने इकट्ठे कर लिए क्योंकि मेरे घर के आसपास बहुत सारी मुर्गियां हैं, वो अंडे देती रहती तो मुझे अंडे पड़े हुए ही मिल गए। बट आने वाले टाइम में भाई मेरे को चिकन फार्म बनाना पड़ेगा क्योंकि कई बार चिकन ना मिलते नहीं है यार, और अब मेरे यहाँ के चिकन भी खत्म हो गए। तो चलो भाई अंडे वंडे को पकाते हैं यानी कि उबालते हैं इनको और बनाते हैं डिवाइन डिश। तो सभी तरीके के इंग्रेडिएंट्स मेरे पास आ चुके हैं और अब ये 4x4 मास्टर शेफ बनाने वाला है डिवाइन डिश। एंड आई होप कि यार ये बहुत ज्यादा लजीज हो क्योंकि दिखने में तो बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रही है। तो चलो इसको खाते हैं और इसका टेस्ट भी देखते हैं। बट मैं इसको अभी नहीं खाऊंगा क्योंकि मैं जाने वाला हूँ अभी एक एडवेंचर पे, क्योंकि भाई मेरे को अभी ये वर्ल्ड एक्सप्लोर भी तो करना है, पता नहीं है कैसे कैसी चीजों से भरा हुआ है। और ये डिश बनाना थोड़ा एक्सपेंसिव भी है यार, और मेरे पास सिर्फ 10 ही है तो मैं इनको ऐसे ही यूज नहीं करने वाला। तो चलो चलते हैं एडवेंचर पे। और मैं अब उस माउंटेन के पीछे जाने वाला हूँ जहाँ पे वो मैजिशियन उड़ता हुआ गया था। आई थिंक वो स्नोई माउंटेन के पीछे गया था। जैसे ही मैं स्नो बायोम में एंटर हुआ अचानक मेरे को क्या दिखता है आसमान में, मेरे को एक ड्रैगन दिखाई देता उड़ता हुआ। और भाई वो क्या था, वो नाइट फ्यूरी था।
यानी कि मेरा ड्रैगन और उसके ऊपर वो मैजिशियन बैठा हुआ था और वो एक गांव यानी कि विलेज के ऊपर मंडरा रहा था। भाई भाई ये वही मैजिशियन है भाई, मेरे को इसका पीछा करना होगा। अरे भाई ये तो वही जादूगर है जो उड़ के जा रहा था, जिसने मेरे को बेहोश भी किया था। ये कुछ कुछ ऐसा ही दिख रहा है भाई, ये क्या स्टोरी है भाई। चलो इसके अंदर चल के देखते हैं ये क्या दरवाजा है। ओ भाई यहाँ के सारे ड्रैगन मेरे पे अटैक कर रहे हैं, लेकिन क्यों भाई? मैं तो ड्रैगन वॉरियर हूँ लेकिन ये मेरे पे अटैक क्यों कर रहे हैं? डिवाइन डिश खाना पड़ेगा भाई, मैं मरने वाला हूँ यार। तो भाई डिवाइन डिश खाने के बाद तो यार मेरे को हेल्थ रिजनरेशन मिला, तो चलो भाई अंदर चल के देखते हैं। होली क्रैप, ये क्या है? यहाँ पे कोई एक इनविजिबल डोर है। मैं यहाँ अंदर कैसे जा पाऊंगा? मैं अंदर ही नहीं जा पा रहा हूँ। यहाँ पे एक इनविजिबल डोर है जिससे मेरा बहुत ज्यादा हेल्थ डैमेज हो रहा है। भाई ये क्या हो रहा है भाई? ऐसे तो मैं मर जाऊंगा यार। डिवाइन डिश भी यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। होली क्रैप ये चल क्या रहा है भाई? ओ माय गॉड वो इनविजिबल डोर क्या था? और क्या यही द किंगडम ऑफ ड्रैगन है? और क्या मेरा ड्रैगन यहीं पर रखा गया है? और मैं इस वर्ल्ड में कैसे आया? क्या ये कोई एक पैरलर वर्ल्ड है? वो मैजिशियन और ओल्ड मैन कौन थे जो मेरी आत्मा निकाल के ले गए थे? सभी चीजें देखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, द ड्रैगन वर्सेस वाइकिंग। एंड गाइस फाइवर को चेक करना ना भूले, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और जिन भी लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना भाई और लाइक कर देना भाई, ताकि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले। एंड As always, ciao, ciao.